हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नरेंद्र, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप सबके सामने फिर से मैं एक लैपटॉप लेके आया हूं, और वो लैपटॉप है जो है राइजन 3 का लैपटॉप है, एचपी का राइजन 3 लैपटॉप है, और इसका मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छा है। मैंने एक बहुत पहले एक बार वीडियो इसका डाला हुआ था, लेकिन लोग अभी भी मतलब मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि आप इसका एक कोई वीडियो डालिए। तो मैं इसका एक वीडियो फिर से लेके आया हूँ, नया मॉडल आया है। पहले वाला जो लॉकडाउन के पहले का जो मॉडल था वो सोल्ड हो चुके हैं सब जगह, अभी प्राइस अपग्रेड होके आया हुआ है। तो अभी इस मॉडल का मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो ये अभी जो इसका जो वीडियो लेके आया हूँ, ये राइजन 3 का लैपटॉप है। राइजन 3 8 GB रैम के साथ में है, और इसमें SSD भी है। तो इसमें SSD भी है, और राइजन 3 में अगर SSD हो और 8 GB रैम हो तो वो बहुत ही अच्छा, स्पीड भी बहुत अच्छा मिलता है। और राइजन में जो है वेगा का ग्राफिक कार्ड आता है रेडॉन का, जिसके वजह से यूज़ में लोगों को एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं। अगर उनको कोई ग्राफिक का जो रिक्वायरमेंट है, इसमें ग्राफिक भी मिल जाता है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादातर मार्केट में अगर देखेंगे ना, लोग निकलते हैं तो उनको गेमिंग वगैरह के लिए या एडिटिंग के लिए राइजन 5 और राइजन 3 वगैरह का ही उनका क्वेरीज होता है, क्योंकि ये प्राइस में कम आते हैं। अभी जैसे राइजन 3 और i3 से कंपेयर करेंगे तो आपका वर्क जो है राइजन 3 में भी हो जाएगा, बट कैसा है, राइजन और i3 में प्राइस का फ़र्क 4 से 5 हज़ार पड़ जाता है। उसी तरह से अगर आप i5 ले रहे हो गेमिंग के लिए या एडिटिंग के लिए, तो उसके बजाय अगर आप राइजन 5 ले रहे हो एडिटिंग या गेमिंग के लिए, तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। अगर SSD लगा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दोनों में प्राइस का कंपेयर करेंगे तो कम से कम नहीं तो 8 से 10 हज़ार रुपये का गैप आता है। इसके लिए लोग ज़्यादातर बजट लैपटॉप के में राइजन 5 या राइजन 3 ही चूज़ करते हैं, क्योंकि उनको प्राइस भी कम मिलता है और उसमें उनका पूरा जो है काम भी हो जाता है। इसीलिए मैं आज आपको राइजन 3 का अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। HP का राइजन 3 8 GB रैम है, इसमें 1 TB हार्ड ड्राइव है, 256 GB SSD है। इसका जो मॉडल नंबर है GR00122AU करके मॉडल है। तो आज इसका पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूं, और आपको इसमें साथ में ये भी बता दूंगा कि आप इसमें क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या आपका इसमें नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इसका अनबॉक्सिंग करके आपको पूरा डिटेल बता देता हूं। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले प्लीज़ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं अनबॉक्सिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह के रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये रहा बॉक्स जिसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ। ये HP का लैपटॉप है और राइजन 3 प्रोसेसर है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। और इसमें राइजन में मैंने बताया था कि वेगा का ग्राफिक आता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, राइजन 3 है, 8 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 256 GB SSD है, विंडो 10 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में है। ये 15.6 इंच का सिल्वर कलर में आता है। इसका ये चार्जर रहा, ये रहा लैपटॉप। इसका लुक जो है, आजकल देखेंगे HP में ज़्यादातर प्रीमियम मॉडल इसी लुक में आ रहे हैं, इसी कलर में आ रहे हैं। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट लाइफ टाइम के लिए मिलता है, विंडोज 10 होम लाइफ टाइम के लिए मिलता है। और इसका जो है टच पैड कीबोर्ड भी देखिए, कीबोर्ड भी काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है, और टच पैड भी है यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का स्टिकर लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें लाइफ टाइम का है। HP के सारे लैपटॉप में जिसमें MS ऑफिस होता है, वो यहाँ पे स्टिकर इस तरह से रहता है, और यहाँ पे राइजन और वेगा रेडॉन का जो है स्टिकर लोगो लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड का और उसका प्रोसेसर का। तो ये लुक काफ़ी अच्छा है, और आपको ज़्यादातर HP में इसी लुक में मॉडल आजकल आ रहे हैं। इसमें पोर्ट आपको बता दूँ, इसमें एक लैन पोर्ट है, एक HDMI है और एक टाइप सी है। लेफ्ट साइड में ये 3 पोर्ट है, और यहाँ पे एक ऑडियो जैक है, यहाँ पर ऑडियो जैक है। और राइट साइड में इसका जो पोर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। इसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं है और फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें। राइट साइड में भी एक 2 USB पोर्ट है, और जो है एक SD पोर्ट है, एक चार्जर का पोर्ट है, एक SD कार्ड का पोर्ट है, 2 USB है, एक चार्जर का पोर्ट है। तो दोस्तों, इसमें जो है बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है। बैटरी बैकअप की इसमें बात करेंगे तो ज़्यादातर राइजन 3 वगैरह के लैपटॉप जो है आपको कम से कम 3 से 5 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप मिल जाता है। कंपनी ज़्यादा बताती है अप टू 8 आवर्स, बट आप जब भी आप लेके यूज़ करते हो तो मल्टीटास्किंग करते हो, तो इसके लिए बैटरी आपको 3 से 5 के बीच में ही मिलेगी। और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, यहाँ से कूलिंग आउट होता है। ये लैपटॉप का कूलिंग आउट करने के लिए वो डिस्प्ले के ठीक नीचे बना के रखा हुआ है, और ये डिस्प्ले है फुल HD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है। और
इसमें 1 TB हार्ड डिस्क और 256 GB SSD होने से आपको इसमें आगे चल के कुछ नहीं लगता है कि आपको कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, उतना ही ये काफ़ी अच्छा चलेगा। और इसमें आपको हार्ड डिस्क भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना तो SSD बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है 1 TB हार्ड डिस्क है जिसमें 256 GB में OS है और जो डाटा दिखा रहा है वो 1 TB हार्ड डिस्क है। इसका जो मॉडल नंबर है GR0012AU करके मॉडल नंबर है और ये काफ़ी टाइम से मार्केट में आ रहा है और काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। मेमोरी की बात करेंगे तो इसमें 8 GB रैम है, इसमें 2 स्लॉट लगे हुए हैं ग्लोस, और जो प्रोसेसर कोर है वो 2 कोर है, CPU का जो कोर है 2 कोर है। और यहाँ पे देखिए AMD Ryzen 3 3250U वेगा का इसमें रेडॉन ग्राफिक भी है। इसमें रैम 8 GB का 1 स्लॉट में लगा हुआ है, 1 स्लॉट फ्री है अगर आप चाहो आगे चल के तो, और इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 8 GB रैम इनफ है इस लैपटॉप के लिए, क्योंकि Ryzen 3 में आप अगर 16 GB रैम डालते हो तो वह ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, 8 GB रैम एकदम प्रॉपर सपोर्ट करता है। इसमें दोस्तों आप वर्ड एक्सेल ऑफिस पावर पॉइंट और टैली PDF हो गया और आप इसमें कोरल ऑटोकैड 3D Max वगैरह हो गया ये सब आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हो, फोटोशॉप फोटो प्रीमियर वगैरह ये सब सॉफ्टवेयर एकदम आराम से चलेंगे इसमें। आप इसमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होम यूज़ ऑफिस यूज़ एकदम प्रॉपर यूज़ कर सकते हो और जो कॉलेज स्टूडेंट वगैरह होते हैं जो होम स्टूडेंट जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है वो सब भी आप इसमें एकदम यूज़ कर सकते हो। इसका जो पहले का प्राइस था दोस्तों कम था, अभी का जो मार्केट में इसका प्राइस होकर आ रहा है ये 40-43 के रेंज में आ रहा है। पहले इसका प्राइस आई थिंक 30 या 39 आया था बट अभी ये 42-43 तक में आ रहा है। इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों है, आप इसमें ब्लूटूथ से डेटा शेयरिंग कर सकते हो और वाईफाई से आप इसमें मोबाइल के हॉटस्पॉट वगैरह से भी इंटरनेट कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो। तो ये 15.6 इंच का है, फुल कीबोर्ड इसमें आता है, नेम लॉक वगैरह के साथ में आता है और सब मिला के ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इस यूज़ के लिए इस बजट के आसपास में जाके बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना, मैं इसके रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका कुछ क्वेरीज है मुझे कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।